हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माय सेल्फ मेघना पारेख, और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे डेयरी साइंस या डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग आज आप लोग के लिए 150 MCQs लेके आए हैं, जो कि बेसिक्स हैं और धीरे धीरे होते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो अगर आप लोग डेयरी साइंस से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को जब भी हमारे चैनल पे कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसका जो पिंग है, उसका जो नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आप लोगों के पास जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द पीएच ऑफ नॉर्मल फ्रेश काउ मिल्क यूजुअली रेंजेस इन व्हिच? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 6.4 टू 6.6 पीएच। ओके, नेक्स्ट है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क फैट इज, तो कितनी होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो होती है आपकी 0.93। ओके, नेक्स्ट है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिल्क प्रोटीन। अब मिल्क के प्रोटीन की कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो वो होती है आपकी 1.346। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। द मैक्सिमम लैक्टोज कंटेंट ऑफ अ काउ मिल्क इज, तो वो होता है आपका 5%। ओके, नेक्स्ट है मिल्क इज डेफिशिएंट इन, अब मिल्क किसमें डेफिशिएंट होता है, मिल्क आयरन एंड कॉपर दोनों के अंदर ही डेफिशिएंट होता है। ओके, कैल्शियम में तो मिल्क रिच होता है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मिल्क इज एन, अब मिल्क कैसा क्या होता है, ऑयल इन वाटर इमल्शन है या वाटर इन ऑयल है या फिर ऑयल इन प्रोटीन या फिर ऑयल इन कार्बोहाइड्रेट है? तो मेरे पास दो ही तरीके के इमल्शन होते हैं, या तो ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल। ओके, तो मिल्क जो है वो हमारा कैसा होता है, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन होता है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। मिल्क स्पॉइलेज रिजल्ट इन, अब मिल्क का जब स्पॉइलेज होता है तो उसमें क्या होता है, तो उसका जो पीएच है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, यानी वो एसिडिक हो जाता है। ओके, तभी तो वो कडल हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फैट प्रोटीन एंड शुगर इज रिस्पेक्टिवली, अब कितनी कितनी होती है इसके अंदर, तो जब फैट की बात करते हैं तो उससे हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती है, ठीक है, प्रोटीन की बात करते तो 4 किलो कैलोरी मिलते हैं, और शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट की बात करते तो हम लोग उससे 4 किलो कैलोरी मिलती है। ओके गाइस, रिमेंबर रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। द फैट परसेंटेज ऑफ व्हेल मिल्क इज, अब व्हेल के मिल्क का कितना फैट परसेंटेज होता है, तो वो होता है आपका 19.6 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कैरोटीन एक्ट इज, अब कैरोटीन जो है वो क्या एक्ट करता है, तो वो आपका एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है और साथ साथ में आपके विटामिन ए का प्रिकर्सर की जैसे भी काम करता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच एसिड कंटेन इंक्रीजेस एज द लैक्टेशन प्रोग्रेसेस, अब कौन सा एसिड इंक्रीज होता है, तो वो होता है आपका ओलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है लैक्टोज ब्रेकडाउन गिव्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है तो इससे हमें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलता है। ओके, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाले होते हैं, ठीक है, तो आपके जो जो लैक्टोज होता है वो सेकेंडरी में आता है, यानी जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल, अब वाटर सॉल्युबल कौन कौन सा है इसके अंदर से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राइबोफ्लेविन, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, इन मिल्क ईच फैट ग्लोब्यूल इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ, अब किसके थिन लेयर से सराउंडेड होता है, तो वो प्रोटीन और साथ साथ में फॉस्फोलिपिड्स की लेयर से सराउंडेड होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द नेचर ऑफ द फ्रेशली ड्रॉन मिल्क इज, अब कैसा नेचर होता है उसका, तो इसका होता है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है जैसे हमारा वाटर होता है ना, जो कि न्यूट्रल हम लोग बोलते हैं, जिसको हल्का सा बेसिक हल्का सा एसिडिक, यानी जो बेसिक मतलब जो नॉर्मल 7 वाला पीएच जिसको बोलते हैं, वो हमारा एम्फोटेरिक नेचर होता है। ओके,
चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16. बफर वैल्यू ऑफ द काउ एंड बफलो मिल्क्स आर. अब इनकी बफर वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी आपकी जो काउ मिल्क होती है वो 0.0359 होती है और जो बफलो मिल्क होता है उसकी होती है 0.0417. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. विस्कोसिटी ऑफ द काउ एंड बफलो मिल्क आर. अब विस्कोसिटी कितनी होती है, तो आपकी जो काउ की विस्कोसिटी होती है मिल्क की वो होती है 1.86 एंड बफलो की जो होती है वो होती है 2.04. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फैट ड्रॉपलेट साइज इन मिल्क टू प्रिवेंट क्रीम सेपरेशन इज नोन एज. अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनाइजेशन. होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि चीजों को होमोजेनाइज कर देना, यानी प्रॉपर तरीके से इस तरीके से मिक्स कर देना कि उसमें से कुछ भी अलग अलग ना दिखे. ठीक है ओके नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे. In efficiently homogenized milk, the flat globules are subdivided into less than or equal to. अब कितना छोटा कर देते हैं उसको, तो उसको कर देते हैं हम लोग 2 micron तक का छोटा, जो कि separate हो ही नहीं सकता milk में से. Okay? इस level तक का homogenize करते हैं हम लोग milk को. Clear? Okay. Next चलते हैं हम लोग question number 20 पे. Flat globule clusters agglomerates which contribute to the faster fat separation is prevented to the range of. अब कितने range तक होता है, तो ये होता है आपका 0.2 to 0.7 micrometer diameter तक. Okay? Next है आपका question number 21. A particle size reduction can only be possible if viscosity ratio of the fat to the water is. अब कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आपकी less than 4 तक होनी चाहिए. Okay? Viscosity ratio with fat to the water. Okay? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. कैविटेशन अकर्स व्हेन द काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, इंक्रीज ड्यूरिंग द फ्लो थ्रू द सिल्ट, डिक्रीज और इन कांस्टेंट. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका इंक्रीज. ओके नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23. सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, इंक्रीज विस्कोसिटी कंसिडरेबली, डिक्रीज विस्कोसिटी, डज नॉट इफेक्ट एफर, डिक्रीज विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो इसका आंसर रहेगा आपका इंक्रीज विस्कोसिटी. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. होमोजेनाइजेशन इंक्रीजेस द व्हाइटनिंग पाउडर ऑफ द मिल्क बिकॉज ऑफ. अब ये क्यों सही बढ़ता है, तो इसमें क्या होता है, आपके जो सरफेस एरिया होता है फैट का वो इंक्रीज हो जाता है. ये मैंने गलत बोल दिया, इनका जो सरफेस एरिया है फैट का वो डिक्रीज हो जाता है और साथ साथ में इनकी जो डिग्री ऑफ क्लस्टरिंग है, यानी एक साथ जुड़ के रहने की, वो बढ़ जाती है. ओके क्लियर. मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके ओके तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बी एंड सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे. इन द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो कि होमोजेनाइजर जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो एनर्जी है उसको हम लोग हीट में कन्वर्ट करते हैं. ओके क्लियर. चलो नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे. एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट इज ई ऑफ अ होमोजेनाइजर कैन बी एक्सप्रेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. अब होमोजेनाइजर की जो हमें इक्वेशन देनी है एनर्जी रिक्वायरमेंट की, वो कौन सी करेक्ट होगी, ई इक्वल्स टू पी बाय क्यू, ई इक्वल्स टू पी क्यू, ई इक्वल्स टू पी प्लस क्यू और ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू. तो इसकी करेक्ट रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ई इक्वल्स टू पी क्यू. ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. द बेस्ट टेम्परेचर ऑफ होमोजेनाइजेशन इज द रेंज ऑफ. अब कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा अडेप्टेबल है जिसमें होमोजेनाइजेशन करना चाहिए, तो वो होता है आपका 60-70 डिग्री सेल्सियस का. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. द टेम्परेचर ऑफ होमोजेनाइजेशन शुड नॉट बी लोअर देन. अब किससे कितने टेम्परेचर से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो आपका 54 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाना चाहिए उसका टेम्परेचर. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. होमोजेनाइजेशन इफेक्ट और होमोजेनाइजिंग डिग्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज होमोजेनाइजेशन इफेक्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी बाय ए नॉट 100%. ओके क्लियर. नेक्स्ट है हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर होमोजेनाइजेशन डिग्री फॉर द फ्रेश मिल्क. क्या होना चाहिए, आपकी जो एच ई है वो मोर देन 60% होनी चाहिए, मोर देन 50% होनी चाहिए, मोर देन 40 या मोर देन 30. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका मोर देन 60. ओके नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे. द मेजर और मोस्ट अबाउंडेंट फ्रैक्शन ऑफ मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड एज. अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कजीन. ओके यानी जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोटीन जिसको हम लोग काउंट करते हैं मिल्क में जो होता है वो हमारा कजीन होता है. ओके कूल
चलो नेक्स्ट रहते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे. टू बी लेबल्ड एज होल मिल्क इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट हाउ मच ऑफ फैट. अब हमें ये देखना है कि होल मिल्क के अंदर कितना अमाउंट ऑफ फैट होता है. वो होता है आपका 3.25 to 3.5% अमाउंट. ओके क्लियर दैट. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे. स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क इज सिमिलर टू इवेपोरेटेड मिल्क इन दैट इट हैज 60 to 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल वाटर रिमूव्ड बट विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फूड केमिकल इज एडेड टू इट. अब इसमें कौन सा ऐसा केमिकल मिलाया जाता है. तो इसमें एक्स्ट्रा शुगर मिलाई जाती है ठीक है कंडेंस्ड मिल्क के अंदर क्योंकि वो और ज्यादा वाटर के बाद में भी बहुत ज्यादा स्वीट होता है. ओके इवेपोरेटेड मिल्क से क्लियर. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34. मिल्क स्टोन हैज फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सेप्ट. अब मिल्क स्टोन के अंदर क्या हो इसके अलावा क्या होता है. तो इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट जो है वो नहीं होता है. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. द मोस्ट सूटेबल डेयरी फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क फ्रैक्शन कंसिस्टिंग मेनली ऑफ. अब ये फॉर्मिंग जो है वो किससे होती है जब उसके अंदर फैट अच्छा होता है यानी मिल्क फैट से. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36. टाउलनेस इन मिल्क अकर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ. अब इसमें जो टाउलनेस आती है मिल्क के अंदर वो किसके ऑक्सीडेशन की वजह से आती है. तो वो आपके फैट के ऑक्सीडेशन की वजह से आती है ठीक है. रेंसिडिटी जो कि हम लोग बोलते हैं ना जैसे ऑयल्स और फैट के अंदर जब हो जाती है तो मिल्क के अंदर जब ये चीज होती है तो इसको हम लोग टाउलनेस बोलते हैं. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37. द मिल्क फैट कंटेन ऑफ कॉफी क्रीम विच विल प्रोड्यूस एन अनस्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड. तो कितनी होनी चाहिए कितनी परसेंट होनी चाहिए. तो ये होती है आपकी 20%. ओके नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38. विच मिल्क प्रोटीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू एसिड. कौन सा होता है वो आपका कजीन ही होता है राइट क्योंकि मिल्क के अंदर कजीन ही प्रेजेंट होता है. क्लियर ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे. विच मिल्क प्रोटीन फ्रैक्शन इज मोस्ट ससेप्टेबल टू डीनेचर बाय हीट. अब कौन सा होता है तो इसके अंदर जो सीरम प्रोटीन्स होते हैं देखो प्रोटीन्स कहीं पे भी आएंगे ना तो अगर डीनेचुरेशन की बात हो रही है तो अगर थोड़ी सी भी हीट लग रही है थोड़ा सा भी कुछ भी आ रहा है तो सबसे पहले आपका प्रोटीन ही है जो कि डीनेचर होगा. ओके तो ये चीज तो आप लोग दिमाग में फिट कर लो कि अगर कहीं पे भी हीट से डीनेचर हो रहा है तो वो क्या होगा उस पर्टिकुलर चीज का प्रोटीन डीनेचर होगा सबसे पहले. ओके क्लियर. और अगर कहीं पे भी कडलिंग हो रही है तो वो फिर आपके कजिन या फिर और दूसरे जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं वो होंगे. क्लियर चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे. द रेट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ बीटा लैक्टोग्लोब्यूल्स ए इज. अब इसकी कितनी रेट होती है फास्टर देन बीटा लैक्टोग्लोब्यूल्स बी स्लोअर देन बीटा लैक्टोग्लोब्यूल्स बी सेम और नन. तो इसमें क्या होती है ना रेट इसकी फास्टर होती है ठीक है बीटा बी से. बीटा ए की ज्यादा होती है रेट बीटा बी से. क्लियर चलो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे. सर्टेन एंजाइम दैट स्पेसिफिकली ऑन मिल्क प्रोटीन पार्शियली डीनेचर देम एंड कैन बी यूज्ड टू मेक मिल्क पुडिंग्स एंड चीजेस सच वन सच एंजाइम इज. तो ये हमारा होता है रेनिन. ओके जो कि हमारे स्टमक में भी होता है जो कि मिल्क के डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है. ओके रेनिन एंजाइम होता है. क्लियर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे. नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ मिल्क आउट ऑफ टोटल नाइट्रोजन इज अबाउट. तो कितना होता है वो होता है आपका टोटल 16%. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बीटा कैजीन इन डाल्टन्स. अब डाल्टन्स के अंदर कितना होता है वो होता है आपका 2400 डाल्टन. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44. रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैट इन मिल्क कैन बी डन बाय मेजरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन एट. अब कितने नैनोमीटर पे होती है तो ये होती है आपकी 3.4 नैनोमीटर पे. ओके माइक्रोमीटर पे सॉरी. क्लियर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45. क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टोग्लोब्यूल्स अल्फा लैक्टोग्लोब्यूल्स एंड सीरम एल्ब्यूमिन्स शुड बी बेस्ड ऑन द प्राइमरी सीक्वेंसिंग ऑफ डैश इन देयर पॉलीपेप्टाइड चेन. तो अब किसकी सीक्वेंसिंग देखते हैं इसके अंदर तो ये हम लोग देखते हैं अमाइनो एसिड की. क्यों क्योंकि ये सारे जो है हमारे प्रोटीन्स हैं ग्लोब्यूल्स एल्ब्यूमिन्स एंड सीरम एल्ब्यूमिन्स ये सारे प्रोटीन्स हैं. तो इसके अंदर हमारा हम लोग क्या देखेंगे अमाइनो एसिड्स देखेंगे. क्लियर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46. द के कजीन प्रोटीन इज सॉल्युबल एट 0.4 मोलर कैल्शियम क्लोराइड एट. अब कितने पीएच के ऊपर होता है ये तो ये होता है आपका 7 पीएच के ऊपर एंड 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. ओके
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, फ्रीजिंग थॉइंग एंड चर्निंग बाय मैकेनिकल मींस एट 10 डिग्री सेल्सियस हेल्प इन ब्रेकिंग द इमल्शन ऑफ, किसका इमल्शन तोड़ने के काम आती है, ये आपके पेरिफेरल प्रोटीन साथ साथ में जो आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, इन बोवाइन मिल्क एंड इंडीड इन ऑल मिल्क कंज्यूम बाय द ह्यूमंस द ओवरवेलमिंग कार्बोहाइड्रेट इज, अब कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी लैक्टोज. ओके क्योंकि जो आपके मिल्क होती है उसके अंदर लैक्टोज शुगर ही प्रेजेंट होती है. क्लियर. ओके चले आगे. क्वेश्चन नंबर 49 है, एट वॉट पीएच लिपोलाइसिस इज मिनिमम. अब लिपोलाइसिस जो है आपके लिपिड्स का ब्रेकडाउन जो है वो मिनिमम होता है कौन से पीएच के ऊपर, तो वो है आपका 6.5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके करेक्ट क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, लाइपोलाइसिस इन क्रीम इज फाउंड टू बी इनसिग्निफिकेंट एट द प्रेजेंस ऑफ, अब इनसिग्निफिकेंट किसकी प्रेजेंस में हो जाएगा, अगर उसके अंदर 4% सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो. ओके तो आपकी जो क्रीम है उसका लाइपोलाइसिस नहीं होगा. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे, व्हेन फैट इज एक्सपोज्ड टू लाइट देन इट गिव्स, अब जब फैट के साथ एक्सपोज हो रहा है तो वो क्या देता है, तो वो आपको टाउली फ्लेवर देता है जो कि अभी हमने बात करी थी. ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग लाइपेज एक्टिविटी, तो इसके अंदर हमारे क्या होगे, कौन से मेथड है, तो हम लोग टाइट्रेशन से भी पता कर सकते हैं, हम लोग सरफेस टेंशन के चेंज से भी पता कर सकते हैं, और साथ साथ में हम लोग ग्रास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करके भी पता कर सकते हैं. ओके तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, ओपेक प्लास्टिक कंटेनर्स जनरली यूज फॉर बॉटलिंग मिल्क आर ऑफन कलर्ड येलो और रिड्यूस वाइट, ठीक है, रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ, अब ये क्या क्यों ऐसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑक्सीडाइज फ्लेवर, ये क्या कर देता है आपका फ्लेवर को ऑक्सीडाइज कर देता है. क्लियर. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, जॉन्स ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, अब इसको ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस. ओके क्लियर, इनको हम लोग जॉन ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे, विच मिल्क कॉम्पोनेंट इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द चीज यील्ड फ्रॉम मिल्क, तो ये इसका सही आंसर होगा हमारा प्रोटीन्स. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विच इज द प्राइमरी फैक्टर इन मिल्क दैट इज रिमूव बाय द क्लेरिफायर, अब क्लेरिफायर क्या हटाती है, वो हटाती है आपके सोमेटिक सेल्स को. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, हु इन्वेंटेड द क्वांटिनस सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटेड इन 1878, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉक्टर गस्टव डी लेवल. ओके क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे, हु इज एक्रेडिटेड विद ऑब्टेनिंग द फर्स्ट पेटेंट फॉर कंडेंसिंग मिल्क, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लुईस पाश्चर. ओके नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे, व्हाट इज द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर सॉलिड नॉट फैट ऑफ ह्यूमजनाइज्ड मिल्क अकॉर्डिंग टू द पास्चराइज्ड मिल्क ऑर्डिनेंस, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 8.25%. ओके नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंटेनर यूज टू प्रिवेंट ऑफ फ्लेवर डेवलपमेंट एंड वाइटामिन लॉस इन मिल्क, तो इसके लिए आप लोग पेपर कार्टन्स में रख सकते हैं, कार्टून्स में रख सकते हैं, ठीक है, आप इसको पिगमेंटेड प्लास्टिक जूसेस में जग्स में भी रख सकते हैं, राइट, तो ऑल ऑफ दी अब जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा. प्लास्टिक में क्यों नहीं रखते, क्योंकि अभी हमने बताया वो प्लास्टिक जो है वो येलो हो जाता है अंदर से, तो वो क्या ऑफ फ्लेवर डेवलप करने लगता है मिल्क के अंदर. ठीक है क्लियर. ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे, टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज टू नॉन फैट मिल्क टू, अब क्यों ऐड करते हैं, ताकि व्हाइटनिंग रहे मिल्क की. ओके क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉलिड नॉट फैट पोर्शन ऑफ मिल्क, तो ये है आपका जो बटर मिल्क होता है उसके अंदर ना आपके कोई भी सॉलिड नॉन फैट पोर्शन जो है वो नहीं होते. क्लियर, क्योंकि वो सारे चर्न करके बाहर निकाल देते हैं ना, राइट. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे, पास्चराइजेशन इज यूज टू डिस्ट्रॉय, अब पास्चराइजेशन से क्या खत्म होता है, उससे हमारे बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ओके नेक्स्ट है, द सेंट्रीफ्यूगल प्रोसीजर यूज फॉर रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द मिल्क इज कॉल्ड, अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस सेंट्रीफ्यूगल मेथड को, इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टेरियोफ्यूगेशन, यानी इसके अंदर हम लोग सेंट्रीफ्यूज
आधा आधा मिक्स करके देखो, बैक्टीरिया और सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट? तो बैक्टीरियोफ्यूगेशन, इजी, क्लियर, सिंपल। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे। द सेंट्रीफ्यूगल प्रोसीजर यूज फॉर रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द मिल्क इज कॉल्ड। तो ये तो वापस वही क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफ्यूगेशन। ओके, ये क्वेश्चन आई थिंक दो बार रिपीट हो गया है, कोई ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। मिल्क कंटेनिंग 3% फैट एंड 8.5% सॉलिड नॉन फैट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क इज जनरली रेफर्ड एज। तो इस मिल्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टोन्ड मिल्क। ओके, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे। टेम्परेचर प्रोवाइडेड टू प्रिपेयर स्टेरलाइज्ड मिल्क इन बॉटल मेथड इज। अब कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो इसको रिक्वायर्ड होता है आपका 108-211 डिग्री सेल्सियस फॉर 25-30 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। रेस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इरेडिएटेड मिल्क आर। अब कौन सी रेस काम में लेते हैं, तो ये हम लोग लेते हैं यूवी रेस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। अकॉर्डिंग टू पीएफए rules 1976 the standardized milk for liquid consumption should contain a minimum of। अब इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें आपका 4.5% fat compulsory है, साथ साथ में 8.5% solid non-fat जो होते हैं आपके वो होने ही चाहिए। okay, clear, liquid consumption milk के अंदर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे। अकॉर्डिंग टू पीएफए रूल 1976 रिकम्बाइंड मिल्क शुड कंटेन अ नंबर ऑफ। अब इसमें क्या होना चाहिए रिकम्बाइंड मिल्क में, तो इसमें आपका 3% फैट 8.5 SNF जो है रिस्पेक्टिवली होना चाहिए। ओके, जो हम लोग ऊपर स्टैंडर्ड मिल्क की बात कर रहे थे उसमें 4.5 था। क्लियर, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है बट इनको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग क्या मिस कर जाते हैं, 0.5 का ही डिफरेंस है तो उसमें कई बार मिस हो जाता है। ओके, तो इनको आप लोग एक बार सिंपल अपनी नोटबुक में दो तीन बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे। अकॉर्डिंग टू पीएफए रूल टोन्ड मिल्क के अंदर अब कितना होना चाहिए, तो टोन्ड मिल्क के अंदर आपका होना चाहिए 3% फैट एंड 8.5% SNF। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। डबल्ड टोन मिल्क क्या होता है, सेम एज टोन मिल्क, डिफर वाइडली देन टोन मिल्क, सेम एज टोन मिल्क बट कंफर्म्स टू मिनिमम टू अ मिनट ऑफ 1.5% फैट एंड 9% SNF। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी है तो वैसा ही बट उसके अंदर क्या है 1.5% फैट होता है और साथ साथ में 9.9% जो है उसके अंदर SNF होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे। फिल्ड मिल्क इज सेम एज, अ फिल्ड मिल्क किसके जैसा होता है, तो वो होता है आपका रिकम्बाइंड मिल्क एक्सेप्ट देन द फैट इज डिराइव फ्रॉम द वेजिटेबल ओरिजिन। ओके, यानी किसके जैसा होता है, रिकम्बाइंड मिल्क के जैसा होता है लेकिन उसके अंदर जो फैट का जो ओरिजिन है वो कहाँ का है, वो वेजिटेबल ओरिजिन का है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पे। हाउ डज अ फ्रेशली ड्रॉन मिल्क रिस्पॉन्स टू द लिटमस टेस्ट। अब लिटमस टेस्ट पे कैसा होता है, या तो टर्न ब्लू लिटमस टू रेड या फिर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू और इधर ए और बी, ठीक है। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि वो एम्फोटेरिक होता है नेचर के अंदर, आपका फ्रेशली ड्रॉन मिल्क जो है वो एम्फोटेरिक होता है नेचर के अंदर, तो वो इसमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ओके, क्लियर, ब्लू को रेड में भी कर सकता है और रेड को ब्लू में भी कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे। नेचुरल एसिडिटी ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। अब एसिडिटी क्यों होती है, तो वो आपके कैजीन की प्रेजेंस की वजह से भी होती है, एसिड फॉस्फेट की वजह से भी होती है और सिट्रेट की वजह से भी होती है। क्लियर, यानी ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76। हाउ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क कैन बी लोअर्ड। अब कैसे लोअर कर सकते हैं, तो इसके अंदर अगर हम लोग वाटर ऐड कर देंगे तो भी, और अगर उसमें एक्स्ट्रा क्रीम ऐड कर देंगे तो भी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। सेंटीमेंट टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक दी। अब ये क्यों करते हैं, ताकि हम लोग इसके अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर मिला हुआ हो या फिर कोई भी कंटामिनेशन हो रखी हो तो वो देखने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। द मिल्क विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी सूटेबल फॉर इन्फेंट फीडिंग हैज कर्ड टेंशन ऑफ। कौन सा सूटेबल नहीं होता है, वो होता है अगर मोर देन 44.5 ग्राम्स है उसके अंदर कर्ड टेंशन तो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्ट कर्ड मिल्क। तो इसकी क्या होती है, ये लो होता है कजीन लेवल के अंदर, इसका जो कैल्शियम कंटेंट है वो भी लो होता है और साथ साथ में इसकी जो कर्ड टेंशन है वो आपकी लेस देन 25 ग्राम्स होती है, तभी तो वो सॉफ्ट कर्ड बनाता है। ओके, क्लियर,
चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे. द क्रीम हैविंग द हाईएस्ट क्लंपिंग एबिलिटी इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से मिलती है? वो होती है आपकी आपकी ग्रेविटी सेपरेटेड क्रीम से होती है. ओके क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 पे. व्हाट डू वन जज थ्रू व्हिपिंग क्वालिटी ऑफ द मिल्क, क्या जज करते हैं? तो इससे इसकी फोमिंग एबिलिटी करते हैं. ठीक है, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम आपको पता होगा ना, जिसको हम लोग बार बार व्हिप करते हैं, राइट? तो उससे क्या पता चलता है, वो कितना अच्छी फोम बना सकती है. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे. लो फैट कंटेंट देन द स्पेसिफाइड लेवल्स ऑफ द मिल्क कैन बी इंडिकेट एडिशन ऑफ, किसका एडिशन बता सकता है वो, उसके अंदर वाटर का या फिर उसके अंदर स्किम्ड मिल्क का. ओके अगर उसके अंदर लो फैट कंटेंट है तो. ओके क्लियर, क्योंकि क्रीम मिलाएंगे तो बढ़ेगी ना फैट की कंसेंट्रेशन. क्लियर. चल नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे. रिएजेंट यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द शुगर अडल्ट्रेशन इन मिल्क इज, तो इसके लिए कौन सा काम में लेते हैं हम लोग? इसके लिए लेते हैं हम लोग रेजिनेसोल. ओके रेजिनेसोल. ओके ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे. इफ रेड कलर अपीयर्स ऑन एडिंग रिएजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेजिनेसोल देन मिल्क इज अडल्ट्रेटेड विद, अब किससे अडल्ट्रेटेड है? तो वो है आपके शुगर से अडल्ट्रेटेड. ओके क्लियर. चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पे. अडल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन मिल्क कैन बी डिटेक्ट क्विकली बाय, अब ये किससे पता करते हैं? तो ये हम लोग लैक्टोमीटर से पता करते हैं. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86. फ्रेशनेस ऑफ द मिल्क कैन बी डिटेक्टेड बाय, अब फ्रेशनेस किससे पता कर सकते हैं? तो ये हम लोग सीओबी टेस्ट करते हैं, उससे हम लोग उसकी फ्रेशनेस का पता करते हैं. ओके नेक्स्ट है रिएजेंट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द स्टार्च अडल्ट्रेशन, तो स्टार्च के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं? बेसिक है आयोडीन सॉल्यूशन काम में लेते हैं. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88. इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज हायर देन द नॉर्मल देन इट इज अडल्ट्रेटेड विद, किससे अडल्ट्रेट करा है? इसको सॉल्ट से अडल्ट्रेट किया है. ओके नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 89. इफ येलोविश कलर अपीयर ऑन एडिंग रिएजेंट दैट इज सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट देन मिल्क इज अडल्ट्रेटेड विद, तो किससे अडल्ट्रेट किया है? उसको तब भी सॉल्ट से अडल्ट्रेट किया है. ओके क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90. इफ मिल्क इज अडल्ट्रेटेड विद वाटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मिल्क इज, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा? डिक्रीज हो जाएगा. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91. तभी तो हम लोग जब आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करते हैं ताकि वो जल्दी से जम जाए. ओके क्लियर. चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग, अब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके अंदर हम लोग को सॉलिड नॉन फैट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92. रिएजेंट यूज फॉर फॉर्मेल्डिहाइड डिटेक्शन इन मिल्क बाय लीच टेस्ट इज, अब कौन से रिएजेंट काम में लेते हैं? तो इसके अंदर हम HCl और H2SO4 काम में ले सकते हैं या फिर हम लोग इसके अंदर फेरिक क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड भी काम में ले सकते हैं. क्लियर. तो सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी. क्लियर. चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 पे. इफ द कलर ऑफ द मिल्क टर्न्स पिंक व्हेन एडिंग रोजैलिक एसिड एंड द मिल्क इज अडल्ट्रेटेड विद, अब ये किससे अडल्ट्रेटेड है इस वक्त पे? तो ये आपके कार्बोनेट्स के साथ में अडल्ट्रेटेड है आपका मिल्क. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94. रिएजेंट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द हाइड्रोजन परोक्साइड इन मिल्क इज, तो ये कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे? तो इसके लिए हम लोग लेंगे पैराफिनाइल पैराफिनाइल एलिन डायमाइन सॉल्यूशन काम में लेंगे. ओके क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95. द नेचुरल एसिडिटी ऑफ द मिल्क रेंजेस बिटवीन, अब नेचुरल एसिडिटी कहां तक रेंज करती है? तो वो रेंज करती है आपकी 0.13 to 0.15% तक. ओके क्वेश्चन नंबर 96 है. द डेंसिटी ऑफ द मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ, अब डेंसिटी किससे मेजर कर सकते हैं? वो भी हम लोग लैक्टोमीटर से ही मेजर करते हैं. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97. 10 मिनट्स रेजुराइन टेस्ट प्रोवाइड अ रैपिड मेजर ऑफ, अब ये रेजुराइन जो टेस्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो आपको प्रोवाइड करता है सेलेनिटी कंडीशन एंड कीपिंग क्वालिटी ऑफ द मिल्क. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98. इन द MBR टेस्ट द सैंपल विच कंप्लीट डिसकलराइज ऑफ ब्लू कलर ऑन इनक्यूबेशन फॉर 30 मिनट और लेस अकर इज, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका नॉन एक्सेप्टेबल. ओके हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं हम लोग. इसमें क्या है? द टाइट्रेबल एसिडिटी ऑफ द मिल्क इज,
तो ये क्या होती है, ट्रू मेजर ऑफ लैक्टिक एसिड. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100. ब्रोमोथायोल ब्लू टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटेक्ट. अब ये ब्रोमोथायोल ब्लू टेस्ट जो है वो क्यों करते हैं हम लोग, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसके अंदर हमें पता चलता है मस्टाइटिस इन मिल्क. ओके, मस्टाइटिस एक तरीके का डिजीज हो जाता है ना, तो उससे मतलब उसका कोई कंटामिनेशन तो नहीं हुआ है मिल्क में, वो पता चल जाता है इससे. ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे. हंसा टेस्ट इज अडॉप्टेड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ. अब हंसा टेस्ट जो है वो क्यों करते हैं, ताकि इससे ये पता चल जाए कि मिल्क काउ के मिल्क के अंदर बफेलो मिल्क है क्या. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 पे. रोजैलिक एसिड टेस्ट इज जनरली कैरिड आउट टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ. किसकी प्रेजेंस के लिए होता है, तो ये होता है आपको कार्बोनेट्स की प्रेजेंस के लिए. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 103. हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी डिटेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ. अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको प्रेजेंस उसको उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, उसके लिए हम लोग लेते हैं पी फिनाइल एडेमाइन सोल्यूशन. ठीक है, वही ऊपर वाला ही सोल्यूशन है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 104. फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज जनरली अडॉप्टेड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ. किसका प्रेजेंस डिटरमाइन करता है, तो ये आपका बेंजोइक एसिड का, साथ साथ में आपके सैलिसिलिक एसिड का भी आइडेंटिफाई करता है. ओके, प्रेजेंस. नेक्स्ट है क्वेश्चन 105. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी अडॉप्टेड फॉर द डिटेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. अब फॉर्मेल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीचिंग भी कर सकते हैं, हम लोग हैनर टेस्ट काम में ले सकते हैं, साथ साथ में हम लोग कीमोट्रॉफी ऑफ एसिड टेस्ट भी कर सकते हैं. ओके, क्लियर. क्वेश्चन 106 पे चलते हैं. फॉर्मेलिन इज डैश परसेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. कितना परसेंट होता है, वो होता है 40%. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 107. व्हाट इज द एक्चुअल न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ लाइम. कितनी होती है, 80% होती है. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 108. ओवर न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट ऑफ लाइम गिव्स, क्या देता है, वो लाइमी फ्लेवर दे देता है फिर. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 109. द ऑब्जेक्टिव ऑफ डबल न्यूट्रलाइजेशन इज टू, ये क्या करता है, ये आपका अवॉइड करता है प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज आर कोरोसिव सब्लिमेट्स. कोरोसिव सब्लिमेट्स में कौन कौन आते हैं, तो वो आता है आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड. ओके, नेक्स्ट है विच सॉल्ट कॉम्बिनेशन आर इन्वॉल्व इन द सॉल्ट बैलेंस थ्योरी. अब सॉल्ट बैलेंस थ्योरी के अंदर कौन सा सॉल्ट इन्वॉल्व है, तो वो है आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सिट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स. ओके, नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ द माइनर चेंजेस इन द सॉल्ट बैलेंस इज, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ कजीन, साथ साथ में आपकी लोअर सॉल्युबिलिटी यानी बोथ ए एंड बी. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 113. विच टेस्ट इज मेनली डन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मिल्क. कौन सा क्या टेस्ट करते हैं हम लोग उसके लिए, उसके अंदर हम लोग एल्कोहल टेस्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 114. What is the cause of lowering the heat stability of the milk? तो इससे क्या होता है, disturbed salt balances. Okay? Next है the alcoholic index for the indication of the poor stability of the milk which may be considered to be fit for rejection is. तो ये हो गए 3 और 3 से less अगर है आपका alcohol index, तो फिर उसकी stability poor है. Okay? Milk की. Next है question 116. Which of the following factors influence the heat stability of the milk. अब कौन कौन सा करता है, तो उसके अंदर अगर आपकी एसिडिटी और पीएच जो है मिल्क की वो भी अफेक्ट करेगी, आपकी जो टोटल सॉलिड्स की कंसंट्रेशन है वो भी करेगी, और साथ साथ में प्री हीटिंग जो हुई है मिल्क की वो भी इफेक्ट करेगी. ओके, क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन 117. हायर अमाउंट ऑफ टोटल सॉलिड्स इन मिल्क विल रिजल्ट इन. अब ये किससे लीड करेगा, तो अगर ज्यादा अमाउंट में होंगे तो उसकी जो हीट स्टेबिलिटी है वो लोअर हो जाएगी. क्लियर. चलो नेक्स्ट चलते हैं 118 पे. हीट स्टेबिलिटी ऑफ द मिल्क कैन बी इंक्रीज बाय. अब बढ़ा कैसे सकते हैं उसके अंदर, अगर हम उसके अंदर थोड़ी सी सॉल्ट मिला देंगे तो. ओके, उसकी हीट स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन 119. हीट स्टेबिलिटी ऑफ द इवेपोरेटेड मिल्क रेफर्स टू द रिलेटिव रेजिस्टेंस ऑफ द मिल्क टू. अब किसके साथ होती है, ये होती है उसकी कोएगुलेशन इन द स्टेरलाइजर के अंदर. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 120. द रेशियो ऑफ द सॉल्ट बैलेंस फॉर द काउ एंड बफलो मिल्क रिस्पेक्टिवली आर रिपोर्टेड एज. तो इनका कितना सॉल्ट बैलेंस का रेशियो रहता है, वो रहता है आपका 0.37 एंड 0.39. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 121. होमोजेनाइजेशन टेंड्स टू. अब होमोजेनाइजेशन जो है वो क्या करता है,
आपकी जो हीट स्टेबिलिटी है उसको लोअर कर देता है. क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122. हीटिंग द मिल्क कंसंट्रेट्स टू टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट. तो ये क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होती है आपकी इंक्रीज हो जाती है हीट स्टेबिलिटी. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन 123. हीट स्टेबिलिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय. आप किससे के साथ कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपने होल मिल्क को प्री हीट करा है उससे भी कर सकते हो, साथ साथ में अगर आपने कोई केमिकल स्टेबिलाईजर डाला है उससे भी कर सकते हो, और साथ साथ के अंदर अगर कोई मिनरल आयन एक्सचेंज हो रहा है उससे भी आप इसकी हीट स्टेबिलिटी जो है वो कंट्रोल कर सकते हो. क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन 124. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज हार्डली एनी अमाउंट ऑफ लैक्टोज इन इट मिल्क. अब भाई ऐसा कौन है, तो ऐसा कोई भी नहीं होता क्योंकि मिल्क के अंदर लैक्टोज कम होता ही है. ओके. क्योंकि मिल्क शुगर है, लैक्टोज. तो इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ अबव. क्लियर. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 125. What can cause secondary lactose intolerance? अब secondary lactose intolerance है वो उसमें क्या होता है, तो इसके अंदर आपका alcoholism भी आ सकता है, साथ साथ में आपकी intestinal surgery अगर हुई है वो भी, और साथ साथ में अगर आपकी intestine के अंदर कोई disease है वो भी आपको secondary lactose intolerance बना सकती है. Okay? Next है question number 126. What is the preferred test for lactose intolerance? कौन सा टेस्ट करवाते हैं, तो इसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करवाते हैं. ओके. उससे पता चल जाता है कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या फिर नहीं हो. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन 127. Which of the following dairy product is or are well tolerated even by the lactose intolerant? अब भाई कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि अगर कोई पर्सन लैक्टोज इंटॉलरेंट से फिर भी वो खा सकता है, तो उसके अंदर आपके योगर्ट भी आते हैं, उसमें आपका बटर भी होता है, और आपके साथ साथ एज्ड करा हुआ चीज भी आता है. ओके. राइट. तभी तो हम लोग किसी लैक्टोज इंटॉलरेंस को ये बोलते हैं कि अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो आप लोग दही खा लो, या फिर फ्लेवर्ड योगर्ट्स जो आते हैं वो ले सकते हो, या फिर छाछ ले सकते हो. ठीक है, एक बार ट्राई करने कह सकते हैं. अगर उससे भी उनको इश्यू है तब फिर हम उनको मिल्क की सारी चीजें मना कर देते हैं. ठीक है, बाकी जहां तक होता है कर्ड और बटर मिल्क जो है वो सूटेबल होता है. क्लियर. चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 पे. फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स आर कैरिड इन द ब्लड बाय एसोसिएशन विद. अब फैट और कोलेस्ट्रॉल जो वो ब्लड के अंदर किस हिसाब से घूमते हैं, तो इसको घुमाने के लिए लाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. इनकी हेल्प से वो ब्लड के अंदर इधर उधर कैरी आउट होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 129 पे. हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज ऑफर्ड कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज. अब ये क्या, अब इसको गुड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये करता है ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू द लीवर वेयर इट इज प्रोसेस्ड एंड एक्सक्रीटेड. ओके. इसको हम लोग HDL बोलते हैं. ठीक है, HDL बोलते हैं इसको हम लोग. राइट. जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. गुड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये डायरेक्ट लीवर में जाता है, वहां पे प्रोसेस होता है, और जो एक्सेस अमाउंट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है. ओके. इसमें LDL और VLDL आते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल्स में आते हैं, जो कि आपकी आर्टरीज के अंदर और जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उनको चोक करने का काम करते हैं, उनमें प्लाक फॉर्मेशन कर देते हैं. ओके. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 130 पे. पॉलीअनसैचुरेटेड फैट दैट इज प्यूफा फैट्स जो होते हैं उसके अंदर कौन से बॉन्ड्स होते हैं, प्राइमरली सिंगल सीसी बॉन्ड्स, वन और डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड, अ लार्ज पोर्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड्स एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो इसके अंदर सैचुरेटेड देखो पॉली अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड वालों के अंदर हमेशा डबल बॉन्ड्स होते हैं. ओके. क्लियर. तो ये बहुत कॉमन डिफरेंस होता है सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर. तो अनसैचुरेटेड वाले इज डबल बॉन्ड वाले फैट्स. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 131 पे. द क्लास ऑफ फूड्स दैट हैव द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यूज आर. अब कौन से होते हैं हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू, जिनको बर्न करने में टाइम लगता है, तो वो होते हैं हमारे प्रोटीन्स. ओके. इनकी कैलोरिफिक वैल्यूज होती है वो हाई होती है. ओके. और शायद कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे कम होती है कैलोरिफिक वैल्यू. ओके. चल नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 132 पे. नेम द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन से होते हैं, आपके रेनिन्स एंड पेप्सिन्स होते हैं. क्लियर. ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके प्रोटीन्स को, आपके मिल्क को, इन सबको जो है वो डाइजेस्ट करने का या ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं. ओके. प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स. क्लियर. चलो नेक्स्ट चलते हैं 133 क्वेश्चन पे. डैश ऑफ रॉ मिल्क कॉजेज रैपिड लिपोलाइसिस. अब भाई किसमें होता है रैपिड लिपोलाइसिस, तो वो होते हैं आपके होमोजेनाइजेशन के अंदर. ओके.
होमोजेनाइजेशन हेल्प करता है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 134. इन रॉ मिल्क एट टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 10 to 37 डिग्री क्या होता है. इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेज इज मोस्टली लाइकली टू कॉज दी स्कवरिंग. ओके, सोरिंग के अंदर मतलब अगर नहीं हटाया तो उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेज जो है वो उसको सोर करना यानी खट्टा करना शुरू कर देगा मिल्क को. क्लियर. नेक्स्ट जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे. लिपोलाइसिस इम्पार्ट. अब लिपोलाइसिस क्या करता है, लिपोलाइसिस क्या करता है, एक सोपी और एक रेंसिड टेस्ट प्रोवाइड कर देता है. लिपोलाइसिस का मतलब होता है फैट का ब्रेक डाउन करना. ओके, तो जैसे ही फैट का ब्रेक डाउन होगा तो वो रेंसिड होता जाएगा टेस्ट के अंदर. ठीक है, क्लियर. चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 पे. वायरस प्रेजेंट इन मिल्क रेंज इन साइज. अब भाई वायरस जो है वो तो वैसे ही छोटे होते हैं, अब मिल्क में प्रेजेंट होंगे तो और भी छोटे होंगे, तो कितने हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 0.22 to 0.23 माइक्रॉन्स के हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137. वायरस इज प्रेजेंट इन मिल्क. ये तो वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे. स्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर. अब स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं भाई, सेंसिटिव टू पास्चराइजेशन एंड सैनिटाइजेशन, रेजिस्टेंट टू होमोजेनाइजेशन प्रोसेस, रेजिस्टेंट टू सेपरेशन प्रोसेस, या फिर रेजिस्टेंट टू सैनिटाइजेशन एंड पास्चराइजेशन बोथ. तो स्पोर फॉर्मिंग वालों की जो बेनिफिट है वो यही होती है कि वो बैक्टीरिया जो उसका मेन जो पार्ट है वो तो सारा अंदर रह जाता है, उसके बाहर पे वो लोग एक कवरिंग शीट बना लेते हैं जो कि अगर आप चाहे उसको आप 70% 90% अल्कोहल से वॉश कर दो, चाहे आप उसको पास्चराइज कर दो, फिर भी वो मरता नहीं है. यही होती है बेनिफिट स्पोर फॉर्मेशन की. और जैसे ही उनको कोई अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, ये स्पोर की जो आउटर लेयर है वो हट जाएगी और फिर ये पूरे मिल्क के अंदर कंटामिनेशन कॉज कर देते हैं. क्लियर. चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे. व्हाट इज द नेम गिवन टू द वायरस पैरासाइट और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. अब कौन सा नाम दिया हुआ है भाई, तो ये होते हैं आपके स्टार्टर बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं इनको. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 पे. हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के लिए, तो ये जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं यानी मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ग्रो करते हैं इस तरीके के बैक्टीरिया. ओके, नेक्स्ट है थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया. गाइस इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, थर्मोड्यूरिक कौन से होते हैं, ठीक है, थर्मोफिलिक कौन से होते हैं. क्लियर, तो इन बैक्टीरियाज को एग्जाम में जाने से पहले प्लीज एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेना कौन कितने टेम्परेचर पे ग्रो करता है, कौन कितने टेम्परेचर पे मर जाता है, लो टेम्परेचर पे ग्रो करने वाले को क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर वालों पे क्या बोलते हैं, जो एल्कलाइन या फिर सलाइन कंडीशंस में ग्रो करते हैं उनको, उन बैक्टीरियाज को क्या बोलते हैं. ओके, तो इनको एक बार कंफर्मली पढ़ के जाना एग्जाम जाने से पहले. ओके, क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव. अब ये थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया जो है वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे HTST पे, पास्चराइजेशन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, साथ साथ में आपके LT पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी और लॉन्ग पीरियड के लिए भी सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, क्लियर. चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 142 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो एट रेफ्रिजरेशन लेवल. अब कौन सा बैक्टीरिया होता है साइकोट्रॉफिक है यानी लो टेम्परेचर पे ग्रो करेगा, राइट. तो कौन सा बैक्टीरिया ऐसा, तो ये सारे ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, यानी ये सारे ही साइकोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं. ओके, चाहे आप फ्लेवोबैक्टीरियम की बात कर लो, चाहे आप एरकोमोबैक्टीरियम की बात करो, या फिर आपको स्यूडोमोनास की बात कर लो. क्लियर. चलो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 पे. इसमें है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ग्रो एट मॉडरेट टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 20 to 45 डिग्री सेल्सियस एंड हैव एन ऑप्टिमम ग्रोथ रेंज अप टू 30 to 37 डिग्री सेल्सियस. तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मीजोफाइल्स, क्योंकि ये लोग मिडल के अंदर ग्रो करते हैं. ओके, क्लियर. थर्मोफाइल बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ग्रो करने वाले, और साइक्रोफाइल यानी कम टेम्परेचर पे ग्रो करने वाले. ओके, क्लियर. चलो ये बेसिक, ये वाले तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आ ही जाते हैं, चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ो, चाहे आप डेयरी साइंस पढ़ो, डेयरी टेक्नोलॉजी पढ़ो, चाहे फूड टेक्नोलॉजी पढ़ो, सब में आते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 144 पे. अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन एयर बट डज नॉट हैव एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ऐसे वाले जो बैक्टीरिया है इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये होते हैं हमारे एरो टॉलरेंट एनोरूब्स. ओके, ये लोग एयर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, यानी एरो टॉलरेंट्स होते हैं और एनोरोब्स होते हैं ये. ओके, क्योंकि इनके अंदर ईटीसी नहीं होती है. ओके,
नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 पे. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच ग्रो एट 55 डिग्री सेल्सियस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ. अब लैक्टोबैसिलस जो है वो किसने आएगा, देखो टेम्परेचर दिया हुआ 55-60 डिग्री सेल्सियस. अभी अभी हम लोग पढ़ के आए थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि 45 डिग्री के अबव पे ग्रो करते हैं. गाइज क्वेश्चन जितने भी करवा रही हूँ वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना. सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना, अच्छे से सुनना, अच्छे से दोबारा अपनी नोटबुक में नोट करना. सब रिलेटेड है क्वेश्चंस, ओके. और इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो पेपर के अंदर. क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. देखो मेसोफिल्स आर द बैक्टीरिया विच हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो मेसोफिल्स एकदम करेक्ट लिखा हुआ है ये तो, ठीक है. टिक नहीं लगाते, टी और फॉल्स लिखते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ओके तो ए तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया. नेक्स्ट पढ़ते हैं मेसोफिल्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया. चलो ये भी एकदम ट्रू है, ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज ऐसी होती है जिसमें मैक्सिमम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है मोस्ट पैथोजेंस आर द वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म आर नॉट मेसोफिल्स, तो ये आपका एकदम फॉल्स हो जाएगा. ओके तो ये यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. ओके क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 147 पे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म द स्पोर प्रोड्यूस्ड विल बी मोर हीट रेजिस्टेंट. अब किस वाले का सबसे ज्यादा मोर हीट रेजिस्टेंट होगा, तो ये आपके साइक्रोफिल्स के जो आपके स्पोर प्रोड्यूस होते हैं ना वो सबसे ज्यादा हीट रेजिस्टेंट वाले होते हैं. ओके क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148. विच ऑफ दीज प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पास्चराइजेशन बिल्कुल करता है, स्टेरिलाइजेशन बिल्कुल करता है, लेकिन होमोजेनाइजेशन क्या होता है, होमोजेनाइजेशन जो है वो मिक्सिंग का काम करता है, ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करता है. ओके तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, होमोजेनाइजेशन. क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर रेंज इज अप्रोक्सीमेटली फॉर साइकोट्रॉफिक ग्रोथ. साइकोट्रॉफिक ग्रोथ यानी जो लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, तो इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि लो टेम्परेचर है, एंड दैट इज 5-7 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका रेफ्रिजरेटर का बेसिक जो है वो टेम्परेचर होता है. क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 क्वेश्चन. ड्यूरिंग पास्चराइजेशन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर किल्ड. अब कौन से बैक्टीरिया को हम लोग मार देते हैं, तो इसके अंदर जितने भी पैथोजेनिक यानी जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं उन सभी को हम लोग ड्यूरिंग पास्चराइजेशन किल कर देते हैं. ओके क्लियर आप लोग को सारे? ओके तो हमारा आज का वीडियो इतना ही था. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है गाइज, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. और अगर कोई डाउट नहीं है तो भी प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे आप लोग को वीडियो लग रहे हैं. आप लोग के कमेंट्स हम लोग के लिए मोटिवेशन होते हैं, तो जितने ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उतना ही मोटिवेशन हमें मिलेगा आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आने का. तो डू गाइज, डू कमेंट गाइज, ओके, इन द कमेंट सेक्शन. कोई पैसे नहीं लगते हैं उसके. ओके और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. इससे आप लोग को हमारे चैनल पे जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा. ओके टिल देन टेक केयर, बाय.